हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं भावना क्रिएशन और आज के वीडियो में मैं आपके साथ हैंडमेड टैसल शेयर करूंगी जिसे मैं वेस्ट मटेरियल के साथ बना रही हूं। आपके पास भी अगर कुछ घर में वेस्ट पड़ा हुआ है उसके साथ आप इस तरह के डिज़ाइनर टैसल बना सकते हो जिन्हें आप अपने ब्लाउज़ की डोरी में, अपने लहंगे की डोरी में और अपने दुपट्टे के कॉर्नर्स पर लगा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है जिसके साथ आपको बना है, वो फैब्रिक आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है ना वो 6 इंच रखी है और लंबाई मैं 3 इंच रख रही हूँ। और इस तरीके से 4 पीसेस इक्वल साइज़ के कट कर लूँगी क्योंकि मुझे 4 टैसल बनाने हैं दुपट्टे के लिए। ये देखो, ये मैंने कट कर लिए हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे बड़े इनको कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, इसको बीच में से फोल्ड कर रही हूँ और एक साइड ऑलरेडी इसका बंद हो गया है यहाँ से। अब दो साइड को हम बंद करेंगे, यहाँ से मैं इनको बंद कर लूँगी और एक साइड इसका ओपन रखूँगी। तो आप सिलाई से भी कर सकते हो या फिर आप सुई से भी कर सकते हो। अब देखो, इस तरीके से मैंने इनको दो साइड से ना बंद कर लिया है। अब सिर्फ एक साइड से ये खुला हुआ है। अब ना इसको मैं पलट रही हूँ इस तरीके से। पलटेंगे इसलिए क्योंकि इसके अंदर फिर स्पेस आ जाएगा और ये कुछ ना पॉकेट की तरह दिखाई देगा। एंड मैं पेंसिल की हेल्प से इसके जो कॉर्नर है ना इनको अच्छे से फिनिशिंग से निकाल रही हूँ ताकि मेरे टैसल में बहुत अच्छा नेट लुक आ जाए। अब इसके अंदर आप कॉटन फिल कर सकते हो या फिर अगर कुछ आपके पास कोई फैब्रिक पड़े हुए हैं, पीसेस पड़े हुए हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं तो उनको भी डाल सकते हो। अपने हिसाब से ज़्यादा कम करके आप डाल सकते हो। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। फिल करने के बाद जो इसका एक साइड जो ओपन है ना, अब इसको मैं क्या करूँगी, बंद कर दूँगी और सिलाई लगा दूँगी। आप सुई से भी कर सकते हो, मशीन से भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। बंद करने के बाद आप इस तरीके से, आप देखो मैंने इन सबको जो है ना क्लोज़ कर लिया और कुछ इस तरह से ना ये पिलो की तरह, छोटे पिलो की तरह नज़र आ रहे हैं। अभी मेरे पास ये लेस का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था तो मैं अपने चारों टैसल पर ना इनकी एक एक कोटिंग करूँगी इस तरह से और साइड से ना सिलाई से इनको सिक्योर कर दूँगी ताकि ये निकले ना। इस तरह के से मैं लेस लगाऊंगी। छोटा सा पीस था, कहीं यूज़ नहीं हो रहा तो ये टैसल में यूज़ हो जाएगा मुझे। अब ये देखो, इस तरीके से लगा लिया और अभी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ओके, सो मेरे पास एक और लेस का पीस था मोती वाली, कहीं यूज़ नहीं हो रहा था तो इसकी मोती को मैं इस तरीके से निकाल लूँगी और अपने टैसल के ना 3 साइड पर लगाऊँगी। 3 साइड पर इसलिए क्योंकि एक साइड जो है ना आपको दुपट्टे में स्टिच करना होता है तो वो नज़र नहीं आता है। तो ये देखो, मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, निडल की हेल्प से लगा रही हूँ मैं। 3 साइड पर लगाना है आपको, मैं भी 3 साइड पर लगा रही हूँ। ठीक है, ये लग गया है। अभी बीच में मैं क्या कर रही हूँ, छोटा सा गोल्डन मोती लेकर एक आगे की तरफ और इस टैसल के एक पीछे की तरफ अटैच कर रही हूँ। बहुत इजी होते हैं छोटे छोटे काम, इनको आप जो है ना अपने दिमाग से कर सकते हो। इसी तरह के आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो ये कितना क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी आप देखो दुपट्टे पर लगने के बाद ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है डिज़ाइनर दुपट्टा है और बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। बहुत ईजी तरीके से हमारे ये हैंडमेड टैसल बन गए हैं वेस्ट मटेरियल के साथ। तो हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ़।